तो कैसे हैं भाई हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से शैतान शैतान से प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, क्या हाल चाल है भाई। तो देखो भाई, आज इस वीडियो में है ना, हम बात करने वाले हैं है ना, जो फिजिक्स की सबसे शानदार बुक है हमारे इंडिया में है ना, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एससी वर्मा सर, उसको सॉल्व करने का सही ऑर्डर क्या है। आई थिंक तुम में से बहुत से लोगों की ये बात ऑलरेडी बताया। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था है ना, क्लास 11 12 में, तो मैं बस स्कूल में था, कोई कोचिंग वगैरह नहीं थी और मेरे पास ऐसे टीचर्स नहीं थे जो फिजिक्स में यू नो डाउट वगैरह बता पाए। अच्छी बात यह कि मेरे पास बुक थी है ना, दोनों बुक्स थी मेरे पास है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है ना, एससी वर्मा सर की, तो उनको मैं सॉल्व करता, तो पूरी फिजिक्स में उनसे ही सीखा था ना। मैंने 2 साल कंप्लीटली सेल्फ स्टडी करी फिजिक्स में, थ्योरी पढ़ने से लेके पूरे ए टू जेड कंप्लीट करना है ना, एक्सरसाइज करना, ऑब्जेक्टिव्स करना, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर करना, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, कुछ में डाउट्स थे जो बाद में मैंने ड्रॉप ईयर में जब मैं कोचिंग ज्वाइन करी मैंने कोटा में जाके बंसल क्लासेस है ना, तो वहां पे वो सारी चीजें फिर क्लियर हुई थी। पर इन 2 साल में मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी एससी वर्मा से है ना, वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ना, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है एंड आई ऑलवेज रिकमेंड दिस टू ऑल द स्टूडेंट्स है ना, चाहे फिर वो आईटीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट की कर रहे हो है ना। नीट के बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से करना होता है ना, मतलब उसमें वो कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, नीट वाले एससी वर्मा को कैसे फॉलो कर सकते हैं ना, तो उसकी लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे जेई की कर रहे हो उनको तो करना ही है पूरा, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, चाहे तुम जेई एडवांस कर रहे हो चाहे जेई मेंस कर रहे हो, मतलब एससी वर्मा तो करनी ही करनी है तुमको है ना, इसमें डाउट ही नहीं है। पर बात यह कि उस बुक में ना जो ऑर्डर दिया है ना, वो ऑर्डर से मैं एग्री नहीं करता ना, क्योंकि जब मैंने पढ़ना चालू कर रहा था स्टार्टिंग में ना, तो खुद से ही कर रहा था, तो मैं उस ऑर्डर में कर रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था। फिर समहाउ कुछ चैप्टर करने का मेरा खुद का एक ऑर्डर डेवलप हुआ, तो मैं किस ऑर्डर में उस बुक को सॉल्व करता था वो मैं बताऊंगा, और इतने साल से मेरे स्टूडेंट्स उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं ना, एंड यू नो दे प्रोड्यूस लाइक सम ऑफ द बेस्ट साइंस ऑफ इंडिया इन पास्ट फ्यू ईयर्स, और इस साल भी कर रहे हैं। तो ठीक है, चलो बात करते हैं किस ऑर्डर में अपन को करना है। देखो सबसे पहले तो एससी वर्मा बुक में क्या ऑर्डर दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, और साथ में हर एक चीज को अपन को किस तरह से करना है ना, क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमसे एससी वर्मा हो नहीं पाते ना, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं, तो अपन उन रीजन के बारे में बात करेंगे ना, कि हर एक पर्टिकुलर चीज को तुम कैसे कर सकते हो ना, किस तरह से कर सकते हो, सही तरीका क्या है करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से कर रहे होते हैं। कुछ लोगों की ये भी क्वेरी आती है कि सर हमने, ये जनरली जेई वाले बच्चों की आती है क्वेरी है ना, कि सर हमने एससी वर्मा कर ली फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फिजिक्स में। बिलीव मी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा असंभव है। तुमने फिर तमीज से नहीं करी है, तुमने सॉल्यूशन वगैरह देख के कहीं से कुछ गलत तरीके से करा है, अपन उसके बारे में भी बात करेंगे ना, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि देखो मैंने सिविल इलेवन ट्वेल्थ में एससी वर्मा करी थी, बिलीव मी आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस, राइट, ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी पीवाई के होते थे ना लगभग सारे हो जाते थे, ऑफकोर्स कुछ कुछ अटकते थे ना, कुछ कुछ अटकते थे, पर मैक्सिमम हो जाते थे सिर्फ मतलब एससी वर्मा करने से। तो यही है, तो किस तरह से अपन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सही तरीका क्या है, मैंने कैसे करी, मेरे स्टूडेंट्स किस तरह से करते हैं ना। तो देखो गिवन ऑर्डर तो किताब का ये है, सबसे पहले थ्योरी दी होती है चैप्टर की, हर एक चैप्टर की थ्योरी दी होती है ना, उसके बाद उसमें सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं है ना, फिर क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर होते हैं, जिनके आंसर नहीं दिए हुए उनको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव बन होते हैं सिंगल ग्रेड अराउंड है ना, 15-20 होते हैं, 5 से 10 ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं मल्टी ग्रेड, फिर एक्सरसाइजेस होती हैं है ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे जो बहुत ही प्यारे हैं ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, ये गिवन ऑर्डर है ना। अब अपन को किस ऑर्डर में करना है और हर एक पर्टिकुलर हर एक सेक्शन को करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रख लेना, जिन लोगों ने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करा भाई कर दो यार है ना, लाइक भाई कर दिया करो, बोलना भूल जाता हूँ मैं, और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने भी मेरी लेटेस्ट बैचेस वगैरह जो भी आते हैं अनअकैडमी वगैरह पे है ना, और जो भी मैं हर रोज लगभग कोई ना कोई फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, या तो यूट्यूब पे लूंगा या अनअकैडमी पे लूंगा है ना, तो उन सबकी लिंक्स भी तुम्हें टेलीग्राम पे मिलती है। नीट के बच्चे नीट वाला फॉलो करें, आईटीजी वाले आईटीजी का फॉलो कर लेना, इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन सारी चीज़ों की। फिजिक्स वॉलिक्स की वेबसाइट जरूर देख लेना है ना, क्योंकि हम लोग पूरा नीट और जेई के लिए पूरा कोटा का मटेरियल डेवलप कर रहे हैं ना, मतलब उसको रिफाइन कर रहे हैं और भी बेटर बना रहे हैं ना, हर लगभग हर क्वेश्चन का हम रिटर्न सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन बना रहे हैं डीपीपीस का और पूरे मॉड्यूल्स का, और उनको अपडेट कर रहे हैं एज पर न्यू पैटर्न है ना, जो भी चीज़ें अपने हिसाब से हम उसको बेटर बनाते जा रहे हैं जो भी चीज़ें, तो उसको देख लेना, इट इज अवेलेबल कम्प्लीटली फॉर फ्री, तो ये तुम्हें वेबसाइट पर मिल जाएगा, जाना चेक करना, और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना ना, क्योंकि मेरी अनअकैडमी पे भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, और जो लोग प्रॉपर मेरे बैचेस में पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज सबको पता होगा, जब तुम अनअकैडमी पे जाते हो तो वहां पे रेफरल कोड होता है जिससे तुम्हें 10% ऑफ मिलता है, मेरा रेफरल कोड है फिजिक्स लाइव, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, प्राइसेस वगैरह यहाँ पे लिखी है ना। इसके अलावा मुझे डायरेक्टली, क्योंकि हर समय अलग अलग बैचेस आते हैं, मेरे बैचेस नीट में भी चल रहे हैं अलग, जेई में अलग चल रहे हैं ना, हर थोड़े दिन में अलग अलग बैचेस आते हैं ना,
तो तुम्हें इस समय कौन सा लेटेस्ट बेस्ट चल रहा है, क्लास 11 के लिए, 12th के लिए, ड्रॉपर के लिए, या फिर अगला तुम्हारे लिए क्या सही होगा, व्हाटएवर योर सिचुएशन इज। तो कोई भी क्वेरी है तो मुझे भेज देना, मैं अपनी टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ। माय टेलीग्राम आईडी इज @PJSirAnacademy, है ना, इस पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, @PJSirAnacademy, इस पर मुझे मैसेज कर देना, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, है ना। तो जो भी बच्चे हैं तो उस समय जो लेटेस्ट बैचेस होंगे तुम्हारे लिए जो बेस्ट हो सकता है वो मैं बता दूंगा, ना ठीक है। और द कोड इज विच क्लास, तो भाई बात करते हैं भाई, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या ऑर्डर फॉलो करने को रिकमेंड करता हूं, है ना। तो देखो, हम लोग थ्योरी से स्टार्टिंग नहीं करते, हम लोग सीधे वर्कआउट एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं। उसका रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि भाई क्लास में मैं ऑलरेडी उनको इतने तगड़े लेवल पर पढ़ा देता हूं, जो नोट्स होते हैं वो अपने आप में 100% सफिशियंट होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब नोट्स आर 100% सफिशियंट। उसको करने के बाद तुम्हें क्लासेस कर रहे हो अगर तुम, तो उसके बाद तुम्हें कहीं से भी किसी भी बुक से कोई भी थ्योरी वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट ढंग से कवर करा दिए जाते हैं क्लासेस में, ना बस तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके लिए हम डीपीपीज मॉड्यूल्स डीपीपीज करते हैं, मॉड्यूल्स देते हैं बच्चों को, और फिर वो एससी ब्रह्मा भी सॉल्व करते हैं, है ना। जो बच्चे सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, वो लोग स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसके बारे में बताने वाला हूं ना। तो देखो, बाकी जो बच्चे किसी ना किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, उनको जो ऑर्डर फॉलो करना है, दैट इज कि सबसे पहले तो तुम्हें एग्जांपल करना है ना, क्योंकि तुम्हारे वो क्लासेस में ऑलरेडी वो तुम्हें करा दिया गया थ्योरी एग्जांपल वगैरह, तुम्हारा जो इनिशियल तुम्हें चाहिए था वो तुमको ऑलरेडी क्लासेस में करा दिया टीचर्स ने ना, तो सीधे एग्जांपल से स्टार्टिंग करना है। फिर तुम्हें एक्सरसाइजेस करना है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, ऑब्जेक्टिव वन करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू, फिर क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स, और फिर थ्योरी विच इज ऑप्शनल, है ना। और ये जरूरी है पढ़ना या नहीं पढ़ना, तो वो मैं अभी बता दूं। अब अपन एक एक करके ना हर एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, है ना, इस ऑर्डर का, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। चलो एक एक सेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जैसे बुक में तो सबसे पहले थ्योरी दी है। देखो, जो बच्चे बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने करी थी, तो मैं तो भाई पहले पूरी थ्योरी पढ़ता था, क्योंकि मेरे पास कोई और था ही नहीं, तो बहुत प्यारी थ्योरी है, ऑल दो चीजें बहुत लिमिटेड है एससी वर्मा में ना, क्योंकि जब तुम एससी वर्मा पढ़ के अगर तुम एससी वर्मा सॉल्व करने की कोशिश करो तो हल्का सा मुश्किल होता है, पर उससे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े बनते हैं ना। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि फिर तुम्हें सारी चीजें खुद से डेरिवेशन करने है, फॉर्मूले वगैरह नहीं है, सब कुछ तुम्हें खुद से पता है, क्रिएट करना पड़ेगा, जो तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, है ना। पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट भी इस बात का कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगता है ना, बहुत ज्यादा समय लगता है। तो मैंने तो भाई 2 साल कंप्लीटली सिर्फ फिजिक्स ही कर रहा था, और मैथ्स करता था ना, केमिस्ट्री तो करी नहीं थी, तो मैं कंप्लीट कर पाया था, मुझे 2 साल पूरे लग गए थे ना, 2 साल 11th पूरा लगा था कंप्लीट करने में, पर मेरे लिए वो काम करा, है ना, मेरे लिए काम करा। उसका पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि सारी चीजें खुद से ही करी थी, कुछ और था ही नहीं। पर नेगेटिव साइड क्या रही, समय बहुत ज्यादा लग जाता था, है ना, तो बाकी सब्जेक्ट छूट गया था, जो फिर मुझे ड्रॉप ईयर में कवर करना पड़ा। तो भाई, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं, पर मैं कंप्लीट जो मैंने करा वो रिकमेंड नहीं करूंगा उन बच्चों को, क्योंकि आज भाई जमाना बदल गया, हमारा जमाना अलग था। आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, YouTube पे इतने सारे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, मेरे भी फिजिक्स ऑलिक्स पे इतने सारे चैप्टर के मैंने फ्री में बना रखे हैं, मेरे क्लासरूम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, तो उनको देख सकते हो। उनको देखने के बाद तुम्हारा एक डिसेंट लेवल बन जाएगा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनको तुम फॉलो कर सकते हो ना। और बाकी जो बच्चे किसी जो अच्छे टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे वर्कड आउट एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करो, है ना। एंड में तुम कर सकते हो, जब तुमने पूरा कर लिया, तुमने अपनी डीपीपीस कर ली, मॉड्यूल कर लिया, एससी वर्मा सॉल्व कर ली, अगर उसके बाद समय बचता है तो थ्योरी पढ़ सकते हो। एक ये क्वेरी भी बहुत आती है कि सर थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो देखो, इसका आंसर ये, पढ़नी तो चाहिए, इट इज अ गुड हैबिट, है ना, इट इज अ गुड हैबिट। पर बात ये होती है, जब खुद से थ्योरी पढ़ के समझना मुश्किल होता है, ये अगेन अपने आप में एक नेगेटिव चीज है जो आजकल के स्टूडेंट्स में हो रही है, कि वो कुछ खुद से पढ़ के समझ ही नहीं पाते कुछ भी, क्योंकि जब तुम खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है। क्लासेस में तो क्या होता है, टीचर सारी चीजें तुम्हें समझा के तुम्हारे सामने खोल के रख देते, बेटा देखो ये सब है, पर खुद से पढ़ के समझना वो अपने आप में एक स्किल होती है। और पता है, अगर तुम खुद से पढ़ के समझने लगोगे ना, तो एग्जाम में भी इसका तुम्हें बेनिफिट होता है। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ने होते, वरना कई बच्चों की गलती होती है एग्जाम में, वो एक एक क्वेश्चन को दो दो बार पढ़ते हैं, क्योंकि उनका इतना फोकस ही नहीं होता ना। तो इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट। पर अगेन बात यह है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम लिमिटेड होता है, तो इसका जवाब यह है यार कि अगर तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट सही चल रहे हैं, उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय बच रहा है, तो डेफिनेटली थ्योरी पढ़ो यार, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ो, टीचर्स के पढ़ाने के बाद सब कुछ खत्म करने के बाद एंड में पढ़ लो, उसे एक रिवीजन जैसा भी हो जाता है ना, वो बहुत प्यारी है, तो मजा भी आएगा तुम्हें, है ना। बहुत एक्यूरेट थ्योरी है ना, मतलब तुम्हें कभी भी बड़े बड़े लेवल पे भी डाउट आएगा ना क्वेश्चंस में, तुम इस पे आगे पढ़ोगे तुम्हारा रिजोल्यूशन हो जाएगा, तुम्हें चीजें बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएंगी, ठीक है। पर अगर समय नहीं बचा रहा है तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखो, अगली चीज दी गई है बुक में, जो दिया है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, है ना। तो मैं थ्योरी के बाद क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर करने को रिकमेंड नहीं करता, मैं बिल्कुल इसको एंड में रिकमेंड करता हूं, लास्ट में बता देता हूँ रीजन क्या है। देखो, वर्मा सर ने तो भाई जो सोच के डाला था वो ये था कि भाई बच्चा थ्योरी पढ़ेगा, उसका दिन को करेगा तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। पर इसमें दिक्कत ये होती है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने के बाद ना
तुम उस लेवल पे नहीं होते कि तुम इनको अटेम्प्ट, तुम्हारे इतने कॉन्सेप्ट बनते ही नहीं कि तुम इन क्वेश्चन को कर पाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले भाई एक्सरसाइज, पहले एग्जांपल करो, एक्सरसाइज करो, ऑब्जेक्टिव्स खत्म करो, एंड में इसको करो, क्योंकि उस पॉइंट तक तुम्हारे डिसेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, और मैं देखता हूं मैक्सिमम जगह स्टूडेंट्स इनको नहीं करते और टीचर्स भी मना कर देते हैं। रीजन भी इनके आंसर ही नहीं दिए हुए, और बहुत दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। वर्मा सर ने इनके आंसर नहीं दिए। अब क्यों नहीं दिए भाई इनके आंसर? क्योंकि देखो बात यही है कि अगर आंसर दे देते ना तो बहुत सारी जगह बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे सीधा आंसर देके सॉल्व करने लगते हैं, वो आंसर देके घुमा फिरा के कहीं से भी जाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। इन क्वेश्चंस का पर्पस ही है टू मेक यू थिंक। इनमें कई क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं, एक से ज्यादा सही आंसर होते हैं ना, तुम्हें खुद से सोचना पड़ता है ना। और द पर्पस इज कि तुम भाई इसको अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, है ना, और तुम सीखो। तुम सोचने पे मजबूर करते हो, फिजिक्स सोचने का सब्जेक्ट है, अगर तुम सोच नहीं रहे ना तो तुम फिजिक्स नहीं कर पाओगे। फिजिक्स सब्जेक्ट ही सोचने का है, तुम्हें वो थिंकिंग वाला पार्ट डेवलप करना है। तो भाई मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी मैंने इसका करने के लिए, तुम्हें पता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर की पूरी सीरीज चालू करी है, जिसमें हम ऑलरेडी आई थिंक 60% चैप्टर्स के पूरे सॉल्यूशन में बता चुका हूं ना। कुछ चीजों में जैसे मुझे खुद भी डाउट थे कुछ क्वेश्चंस में, तो जब मैं वर्मा सर से मिलने गया था 2019 में, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उनसे भी डायरेक्ट डिस्कस करे थे कि भाई इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स क्या है। ठीक है, तो तुम्हें जो भी एक्यूरेट आंसर चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे ना, वो ऑलरेडी इसकी लिंक भी मैं ना मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, तो पूरी एक प्लेलिस्ट है, तुम जाओगे ना तो हर चैप्टर के तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैं तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि भाई जब तुम सब कुछ पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लेते हो, उसका जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर एससी ब्रह्मा के, वो सभी बच्चों को करने चाहिए। उससे तुम टेस्ट कर पाओगे कि तुम्हें कितना समझ में आया, और इससे तुम्हारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी सही हो जाते हैं। गलत जो मिसकंसेप्शन बने होते हैं ना, जो जिनसे एग्जाम में आगे जाके नंबर लूज होते हैं हमारे, वो भी सही हो जाते हैं। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो उसके बाद अगला जो दिए भाई वर्क डाउट एग्जाम्पल, ये अपन को अपन सबसे पहले करते हैं इनको, है ना। ठीक है, तो भाई ये है, देखो इसको करने का तरीका बता देते हैं अगेन, है ना। तो ये कुछ आसान है और एंड से जाते जाते थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को करा करो यार, है ना, क्योंकि इनके पूरे डिटेल्ड और बहुत अच्छे सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, खुद से सॉल्व करा करो, सॉल्यूशन में देखा करो, है ना। नहीं कर पाओ तो सॉल्यूशन देखो। अब यहां पे एक चीज और है, जब तुम अगर तुम सॉल्व कर लो ना तो भी उसका एक बार सॉल्यूशन देखा करो। पता है बहुत सी बार क्या होता है, जब भी डिस्कशन करते हैं बच्चे इनमें भी डाउट पूछ रहे होते हैं, मैं बोलता हूं भाई सॉल्यूशन दिया तो डाउट क्यों पूछ रहे हो? अरे उनकी कैपेबिलिटी नहीं है पढ़ने की, वो पढ़ के समझ ही नहीं पाते, मतलब वो खुद का दिमाग का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना इसलिए थ्योरी पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि तो जो भाई खुद से पढ़ के समझने वाली चीज वो चीज आनी चाहिए, उससे भी एग्जाम में फायदा होता है। उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं कि खुद से पढ़ ले 10 लाइन 4 लाइन खुद से पढ़ ले, पढ़ते ही नहीं है ना। तो करना चाहिए, इसलिए मैं एग्जांपल तो रिकमेंड करता हूं कि भाई एग्जांपल करो, जो क्वेश्चन तुमसे खुद से भी सॉल्व हो जाए ना सही हो जाए, उसके बाद भी एक बार पढ़ लो ना जल्दी से सॉल्यूशन, है ना, पढ़ लो एक बार समझो कि भाई क्या लिखा है। कई बार क्या होता है हम गलत तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, कई बार हम गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ होता था यार। वर्क पावर एनर्जी जब मैं कर रहा था तो मैंने देखा था कई क्वेश्चन गलत तरीके से करता था, फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता होता था, कई चीजें मिस कर देता था, गलत तरीके से सही आंसर ले आते थे। तो गलत तरीके से सही आंसर लाने में बात ये होती है कि उस समय तो बेटा सही आंसर आ गया, एग्जाम में वो तुम्हारा नेगेटिव करवा देगा। तो हाईली रिकमेंडेड कि खुद से करो, उसका एक फटाक से जल्दी से सॉल्यूशन भी पढ़ लिया करो। तो वर्कड आउट एग्जाम्पल करने बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये करने, है ना, इस तरीके से। उसका तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बने, है ना, अपन इनको एक्सरसाइज के बाद करते हैं ना। ठीक है, तो ये भी अच्छे कॉन्सेप्चुअल प्यारे से क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट टाइप होते हैं, ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन है ना, 10-15-20 क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर में, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्यारे क्वेश्चन है। जेई एस्पायरेंट, नीट एस्पायरेंट सबको करना है। ये एक चीज है जो मैं हर एक नीट एस्पायरेंट को जरूरी बोलता हूं, भाई तुम पूरी एससी वर्मा सॉल्व ना करो नीट वाले बच्चे, पर ये ऑब्जेक्टिव बन तो सबको करने है ना, इतने प्यारा कलेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा ना। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, मतलब इट इज नॉन नेगोशिएबल, तुम्हें करना ही करना है इन क्वेश्चंस को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू होते हैं, थोड़े से होते हैं, 5-10 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं होते ऑब्जेक्टिव टू में। ये मल्टी करेक्ट टाइप होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सही आंसर होते हैं इनके ना। ठीक है, तो जेई वाले बच्चों को तो करने ही करने, नीट के बच्चों को भी मैं रिकमेंड करता हूं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस को करने का एक फायदा बता दो क्या होता है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ना इनको करने का। कई बार क्या होता है कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हम गलत तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें सही आंसर नहीं पता होता पर गलत पता होता है, और तुम्हें अगर गलत पता चल जाए तो फिर सही निकालने में तुम्हें हेल्प मिल जाती है। मल्टी करेक्ट में वो तुम चीज नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हें पता है कि भाई पहला वाला गलत है, तो अब इसका है ना, अगर मान लो तुम्हें पता चल जाए कि भाई एक गलत है, तुम्हें बाकी के सारे ही चेक करने, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि भाई ये क्वेश्चन सभी को करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस है इन क्वेश्चंस को करने का कि कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करना। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो जाते हैं ना तो फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन किस मॉडल का, सिंगल करेक्ट टाइप है, मैथमेटिक टाइप है, मल्टी करेक्ट टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई तुम किसी भी मॉडल का क्वेश्चन कर लोगे, तुम किसी भी मॉडल का क्वेश्चन कर लोगे। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, हाईली रिकमेंडेड। फिर उसके बाद जो बुक में लास्ट में दी गई एक्सरसाइज है ना, मैं एक बार और ऑर्डर बता दूंगा जो लोग भूल चुके हैं।
तो एक्सरसाइज में तुम्हारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, 50 के अराउंड होते हैं, 50 60 अलग अलग चैप्टर में अलग अलग है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, है ना। तो इन क्वेश्चन को बहुत लॉजिकल ऑर्डर में बनाया गया, बहुत ही लॉजिकल ऑर्डर में बनाया गया, मतलब हर एक क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड कर रहा होता है, हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा होता है और तुम्हारे मिसकॉन्सेप्शन खत्म कर रहा होता है, मतलब हर क्वेश्चन किसी ना किसी मिसकॉन्सेप्शन पे अटैक कर रहा होता है, जो तुम्हारा गलत कॉन्सेप्ट है उसे सुधार रहा हो। तो कई बार बच्चे ना इन क्वेश्चन को करते समय आके बोलते सर समय बहुत लग रहा है, भाई इन क्वेश्चन को करते में करने में तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, ये चीज समझो, समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन डिजाइन ही इस तरह से करे गए हैं, तुम्हें क्वेश्चन करने में कुछ क्वेश्चन 3 मिनट में भी हो जाएंगे, कुछ 2 मिनट में हो जाएंगे, कुछ में 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट। यार मैं जब करता था कुछ कुछ क्वेश्चन 1 घंटा भी लग जाता था, सोचना होता था, गलत कर देता, फिर आगे देखता था कि भाई क्या गलती हो गई, फिर से बुक उठा के फिर थ्योरी पढ़ता था, भाई देखता था एग्जांपल क्या, इस टाइप का क्वेश्चन था, क्या गलती कर रहा हूं, इस तरह से जाके सीखे है ना। मैं तुम्हें इतना रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 घंटा दो, पर हाँ भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक दिए जा सकते हैं, कुछ जो एंड के क्वेश्चन होते हैं उनमें 15-15 10-10 मिनट भी लगते हैं ना। एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, ध्यान से सुनो कि भाई स्टार्टिंग में जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, जब भी कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हो, स्टार्टिंग के जब तक तुम 50 या 100 क्वेश्चन खुद से सॉल्व ना कर लो ना, तब तक जल्दबाजी मत करा करो, स्पेशली एससी वर्मा करते समय जल्दबाजी मत करा करो यार, है ना, क्योंकि इस समय क्वेश्चन करने का पर्पस तुम्हारा जेई या नीट नहीं है यार, अभी नहीं है वो पर्पस। अगर तुम अभी से वो सोच के करोगे कि 1 घंटे में मुझे 30 क्वेश्चन करने, अल्टीमेटली तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम सीख नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो उसका सिर्फ एक पर्पस होता है, कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई करना, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो जाते हैं ना हमारे, समझो ये तुमने भाई 50 क्वेश्चन तुमने हर एक क्वेश्चन आराम से करा, अच्छे तरीके से करा, कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई हो गया ना, उसके बाद मॉड्यूल में इतनी सारी एक्सरसाइजेस होती है, इतने क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, रिव्यू पैकेजेस, इतना कुछ मिलता है रिवीजन के दौरान भी, उनमें टारगेट लेके करो यार कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करने या 25 करने, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल के क्वेश्चन है ना, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने, जो भी है उस समय टारगेट लेके करो, है ना। पर स्टार्टिंग में तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम सीख ही नहीं पाओगे, फिर तुम्हारे हमेशा तुक्के ही होते हैं, कभी सही हो गए कभी गलत हो गए, तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिजिक्स में। लोग गलत तरीके से कर रहे होते हैं यार, गलत तरीके से नहीं करना। देखो बात है, अगर तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती, ये एग्जांपल बहुत प्यारा है भाई, अगर तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती और तुम साइकिल उठा के पहली बार में स्पीड में भगाने की कोशिश करो, तो भाई फिर तो हाथ पांव सब टूट जाएंगे ना। क्या होती है, पहले अपन सीखते हैं ना, पहले अपन सीखते हो, जब सीखने में डिफिकल्ट भी लगता है, पहली बार जब साइकिल उठा के चलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि चला ही नहीं पाएंगे, हमसे तो चलने ही नहीं वाली, गिर जाएंगे हम तो, है ना, और होता भी, गिरते भी हैं। पर फिर जब अपन प्रैक्टिस करते रहते एक पॉइंट पर अपन सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपन स्पीड भी आने लगती है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से फिजिक्स होती है यार, स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी, स्टार्टिंग में जब तुम करोगे ना तो तुम्हें डिफिकल्ट भी लगेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में नया है, हर एक क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट है, वो बनाए डिजाइन ही इस तरह से करे गए हैं क्वेश्चन कि तुम्हारे मिसकॉन्सेप्शन खत्म करें, ताकि तुम गलती करो, वो उस मिसकॉन्सेप्शन के कारण जो गलती होगी वो यहां पे हो जाएगी तुमसे गलती, फिर तुम उसको सुधारोगे, बट दैट इज पॉजिटिव थिंग कि तुम सीख रहे हो, तो यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सीख जाओ। जब तुम 50 से 100 क्वेश्चन कर लोगे ना एक पर्टिकुलर चैप्टर में, उसके बाद जब तुम आगे अटेम्प्ट करोगे ना, तुम्हारे डिसेंट कॉन्सेप्ट, अब तुम धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो कि भाई पहले 1 घंटे में मैंने 30 क्वेश्चन टारगेट करे या 20 क्वेश्चन टारगेट करे, फिर 30 करे, फिर डिपेंडिंग ऑन किस लेवल के क्वेश्चन और कौन सा एग्जाम है अगेन, है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं ना। और अगली चीज देखो, एक्सरसाइज करते समय ये चीज ध्यान रखनी है कि जब तुम सॉल्व करो ये चीज, दिस इज हाउ आई डिड इट, है ना, एंड दिस इज समथिंग वर्मा सर रिकमेंड्स, इरोडो आल्सो रिकमेंड्स, है ना, कि भाई एक क्वेश्चन में जैसे करने के बाद तुम्हें दूसरा तरीका आता है ना, अगर दिमाग में आता है क्या इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सो ट्राई दैट। मैं ये चीज बार बार कहता हूं भाई कि फिजिक्स में 300 क्वेश्चन करने से उतना ज्यादा नहीं सीखोगे, पर अगर तुमने 100 क्वेश्चन को 2-2 या 3-3 मेथड से कर लिया ना, उससे बहुत ज्यादा सीख जाओगे। तो फिजिक्स में अगला क्वेश्चन करने से बेटर है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी करा जा सकता है ना, तो उस पर ट्राई करो, उसको ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम में जाओगे ना वहां पर भी तुम्हें ऐसी 3 पॉसिबिलिटी दिख रही होंगी और तुम्हें नहीं पता होगा कि किस तरीके से जल्दी होगा। जब तुम घर पे ट्राई कर लेते हो ना तो तुम्हें पता चल जाता है यार, या तो तुम्हें लग रहा है ना कि यार अगर तुम्हें लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है तो उसको ट्राई करो, दो चीजों में या तो हो जाएगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पहुंचेगा, तुम जो बोलते हो ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उससे कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा आएगा ना, तुम आप समझ जाओगे कि यार ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हें दोनों मेथड दिखेंगी कि इसमें ये लग रहा है इसमें ये लग रहा है, उससे क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा कौन सा जल्दी आंसर देती है कौन सा जल्दी आंसर नहीं देती, और नहीं हुआ अगर तो तुम्हें दिख जाएगा क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस मेथड से सही आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो टीचर से आके डिस्कस करो। मुझे बहुत गंदा लगता है जब बच्चे सीधे आके बोल देते सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, अरे भाई तेरा सॉल्यूशन का है, हमारे जो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप है उसमें अब ये रूल भी बन चुका है कि भाई अगर आपको डाउट पूछे ना आप पहले अपना सॉल्यूशन लेके आओ ना, भाई एक फॉर्मूला तो हर इंसान लिख लेता है, एक लाइन तो लिखोगे ना अपनी तरफ से, दो लाइन तो लिखोगे ना, कुछ तो लिखोगे भाई, नहीं लिखा तो फिर जाके क्लासेस करो पहले सीखो, अरे तुम अपना सॉल्यूशन लेके आओ ना, तुमने कितना करा, तुम्हारा कहां पे अटके, तुम कहां पे तुम सोचना बंद कर दिए, क्योंकि बेटा सीखोगे उससे। वरना बच्चे क्या करते हैं, आजकल देखा जाए तो एससी वर्मा के सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल है ना,
एप्स डाउनलोड कर लेते हो, सॉल्यूशन देख देख के कर रहे होते हैं। अगर तुमने बेटा ऐसे एससी वर्मा करी है ना, तो तुमने नहीं करी है, करनी है तो तमीज से करो। तमीज से करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कॉन्फिडेंस ना है, है ना। अरे सॉल्यूशन देख भी रहे हो, मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, या फिर तुम्हारे टीचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी है, देख भी रहे हो तो पहले खुद का तो पूरा ट्राई मान लो यार, उसके बाद जाके देखो ना, उसके बाद जाके देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। तो जब भी टीचर से डाउट पूछने जाओ, मैं रिकमेंड करूंगा अपना सॉल्यूशन लेके जाए करो कि सर मैंने ऐसा ट्राई करा है, इसमें क्या गलती है, या फिर मैं अटक गया, मैं आगे क्यों कैसे जा सकता हूं। बट उससे फिजिक्स सीखो और उससे क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आएगा तुमको, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने जो भाई ऐसी वर्मा करी थी, मैंने लगभग हर क्वेश्चन दो दो तीन तीन मिनट करा, लगभग हर क्वेश्चन, ऑफकोर्स कुछ क्वेश्चन के और तरीके नहीं होते पर करा हुआ है, और उससे फिर जो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, जो फिजिक्स अब जिस क्लैरिटी से दिखती है ना, वो चीज मतलब वो बोलते ना फिजिक्स भाई तपस्या है, मैंने अपनी तपस्या करी, अब मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूं, टीचर से तुम्हें बता सकते हैं कि ऐसे करना है, पर वो तपस्या तुम्हें खुद करनी पड़ेगी यार, और उसमें बहुत मजा आता है, उसमें बहुत मजा आता है। तो इस क्यूरियोसिटी को डेवलप करो, फिजिक्स को इस तरीके से तुमको करना है, ठीक है। तो भाई दिस इज हाउ यू डू एक्सरसाइज, है ना। तो और एक्सरसाइज करते समय जल्दबाजी मत करना, एक्सरसाइज करते समय जल्दबाजी मत करना, अपने कोचिंग जब मॉड्यूल करो ना, पहले एक्सरसाइज के लिए करो ऐसी भ्रमा की, उसके बाद मॉड्यूल कर लिया करो, है ना, उसमें चाहे तुम जल्दबाजी कर लेना, इसमें मत करना भाई। इसके क्वेश्चन बहुत प्यारे और हर क्वेश्चन तुम्हें बहुत तगड़े लेवल पे सिखाएगा। अगली एक चीज, ये आई थिंक सबको पता है, नहीं पता तो ध्यान रखना, जब जैसे तुमने ऐसी वर्मा में 50 क्वेश्चन करे मान लो किसी चैप्टर में, तो उसमें से अराउंड 10 या 20% क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चला करो। जो क्वेश्चन पहली बार में गलत हो जाए, या जो तुमसे सॉल्व ना हो, या फिर जिस क्वेश्चन को करने का तुम्हें एहसास हो कि यार कि मैंने एक मिसकॉन्सेप्शन बना दिया था और इस क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट सही हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चन करने का तुम्हें ऐसा लगता है यार इसमें मुझे सीखा हो, ये मुझे क्वेश्चन फिर से बाद में करना होगा, तो वो मार्क करके चला करो। कितने होते हैं अराउंड 10 या 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं मार्क करते चलता था, तो उससे बहुत हेल्प हुई रिविजन के दौरान, क्योंकि रिवीजन के दौरान इतना वक्त नहीं होता तुम्हारे पास कि तुम फिर से सब कुछ सॉल्व करो, सारे मॉड्यूल्स डीपीपीस एससी वर्मा सब कुछ फिर से सॉल्व करो, इतना वक्त नहीं होता। और उस समय रिवीजन के दौरान यह भी गलत है कि तुम सीधे नया मटेरियल उठा के सॉल्व करने लगो, तुमने कुछ और नया मटेरियल उठा के कुछ भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने लगो, ये भी दिक्कत वाली चीज है। तो भाई क्या करते हैं, जब भी पहला रिवीजन करते हैं ना, सबसे दौरान तुमने जो मार्क्ड क्वेश्चन रखे हैं हर चीज में मार्क कर करो, चाहे एससी वर्मा हो, चाहे तुम्हारी कोई और सब्जेक्ट हो, कोई और बुक हो, मार्क करके चला करो 10 से 20% क्वेश्चन जो अच्छे लगते हैं पहली बार में नहीं होते, पहले रिवीजन के दौरान इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बिलीव मी, ये क्वेश्चन करने से तुम्हें मैक्सिमम चीजें रिकॉल हो जाएंगी बहुत फास्ट वे में। तुम जो गलती अभी कर रहे थे ना, जो पहली बार तुम्हारी सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ था, तुम देखोगे जब तुम सॉल्व करोगे ना रिवीजन के दौरान, तुम फिर से वही सिली मिस्टेक कर रहे होगे, तो उसको रिकॉल करना जरूरी है। हर एक इंसान का दिमाग ना अलग अलग तरीके से चलता है, तो तुम्हें पहचानना होगा यार कि तुम किस तरह की गलतियां करते हो। और याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, लोग क्या करते हैं एक ही जगह सबको सॉल्व कर रहे होते हैं, डीपीपी भी उसी कॉपी में है, मॉड्यूल भी उसी कॉपी में, नोट्स भी वही बना लेते, कई बच्चे तो ऐसे वर्मा भी वही सब वही कर रहे होते हैं सॉल्व, प्रीवियस क्वेश्चन भी वही सॉल्व कर रहे हैं। ये मत करा करो, देखो अपन को कोई फेयर सॉल्यूशन नहीं बनाने, नंबर डाल डाल के क्वेश्चन लिख लेके, ये नहीं करना, इसमें भी समय बर्बाद होता है। पर हर एक चीज की अलग अलग कॉपी बना के रखा करो यार, ऐसे वर्मा सॉल्व कर रहे हो तो एक अलग कॉपी में रखो, क्योंकि लगना तो तुम्हारी उतनी कॉपी है, अगर सेग्रीगेटेड रखोगे ना तो बहुत हेल्प मिलती है बाद में, है ना। डीपीपी की एक अलग बना लो यार, पीवीएस की अलग बना लो, सबकी एक अलग अलग बना लो, चाहे गंदी राइटिंग में सॉल्व करो, एक पेज पे तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, पर एक अलग बना के रखो यार। क्या होता है कि जो तुम गलत सॉल्यूशन करते हो वो भी काम आता है, जब तुम रिवीजन करोगे, मान लो रिवीजन के दौरान तुम्हें 35th में डाउट आ गया, अब उस समय टीचर नहीं है, कोई नहीं है, तो तुम खोल के देखो तुमने जो पहले सॉल्व कर रखा, तुम देखो तुम्हें दिख रहा कि तुमने इसको पहले भी गलत करा था, वो गलत सॉल्यूशन भी काम का होता है, क्योंकि वो गलत सॉल्यूशन बताते हैं कि तुम ये गलत मिसकॉन्सेप्शन लगा रहे थे, ध्यान रखो ये सही नहीं है, तो वो चीज भी काम आ जाती है तुम्हारी, है ना। सो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स राइट। तो आई थिंक मैंने इस एक वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर कर दिया है ना। अगर तुम इस तरह से करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एचसी वर्मा करने का तुम्हें फिजिक्स में कॉन्फिडेंस ना आए, या फिर तुम्हारे क्वेश्चंस रुके। मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम कर पाओगे, मैक्सिमम तुम कर पाओगे, है ना, ठीक है। और एरोडो वगैरह भाई जिनको करनी है वो इसके बाद उठाया करो, पहले एचसी वर्मा तमीज से करा करो, उसके बाद उठाया करो, है ना। हर एक चीज का एक तरीका होता है, लेवल होता है ना, ऑर्डर होता है हर एक चीज का, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ भाई ऑर्डर, है ना। जो बच्चे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं वो सीधे वर्कडाउट एग्जाम से स्टार्ट करें, थियरी इज ऑप्शनल। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं रिकमेंडेड उनके लिए भी यही है कहूंगा, है ना, कि भाई पहले किसी के लेक्चर वगैरह देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े, अच्छे टीचर्स के देखना, बोर्ड वगैरह वालों को मत देखना, है ना, अच्छे जो मतलब समझ रहे हो ना, वो तुम्हें फिल्टरिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यूट्यूब पे 99% इज गार्बेज, तुम्हें वो 1% क्वालिटी लेक्चर ढूंढने पड़ेंगे। कोशिश करना किसी कोटा लेक्चर्स, है ना, कोटा टीचर्स वगैरह के जो हैं उनके देखो, जिन टीचर्स ने मल्टीपल टाइम्स टॉप रैंक्स वगैरह प्रोड्यूस करी है ना, उन टीचर्स के निकाल के देखना लेक्चर्स, मिल जाएंगे, हैं बहुत सारे, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, तो उनके लेक्चर देख लो ना, नहीं तो फिर थ्योरी पढ़ सकते हो ना सीधा, और थ्योरी इज ऑप्शनल, मैंने बता दिया है ना, है ना। पर अगर कोई भी लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ स्कूल टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई फिर तो थ्योरी जरूर पढ़ना, वरना तुम्हारा उस लेवल पे नहीं हो पाएगा ना। तो भाई सीधे वर्कडाउट एग्जाम से ट्राई करो, स्टार्ट करो, और उनके सॉल्यूशन
सॉल्व करने के बाद भी उनका उस सर का सॉल्यूशन एक बार पढ़ा करो, वर्मा सर का, है ना। एक्सरसाइजेस करो प्रॉपर, कैसे करनी है बता दी उसके बाद, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बन पे आओ, क्योंकि ये करने के बाद ना तुम्हारे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन सही हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव बन करने में तुम्हें मजा आएगा, बिलीव मी। सीधे ऑब्जेक्टिव बन से स्टार्टिंग मत करना, मैं बता रहा हूं, मैं खुद से बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज हाउ आई डिड इट, है ना। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। एक्सरसाइज करके पहले सीखो, एग्जाम्पल करके सीखो, कि एक्सरसाइज करके सीखो, फिर ऑब्जेक्टिव बन करो, फिर ऑब्जेक्टिव टू, और लास्ट में क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। बिलीव मी, ज्यादा समय नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं यार इसको करने में, मत छोड़ो इसको। मैं बता रहा हूं, इससे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए IIT JEE और नीट दोनों में, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए जो जी यहां पे पूछी गई क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में, है ना। तो भाई इनको 15-20 मिनट लगते हैं, ये तुम्हारा अल्टीमेट चेक होगा कॉन्सेप्ट्स का, कि तुम किस लेवल पे कॉन्सेप्ट बना पाए। हाँ देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें, मतलब मैं कहूंगा कि हर चैप्टर में एक आध ऐसा क्वेश्चन होता है जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, पर वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है यार, वो क्यूरियोसिटी जगाता है फिजिक्स के लिए, ना? तो करा करो, बाकी सारे तुम्हारे बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, प्यारे क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है। और तुम्हारे टीचर्स वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, जो मैक्सिमम जगह नहीं करते, मुझे पता है जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो सारे करते हैं, सारे करते हैं, है ना। मतलब तुम उनसे पूछोगे ना जाके, तो वो हमेशा तुम्हें बताएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे ये मत करो, वो तुम्हें बताएंगे जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, वो तुम्हें बताएंगे हमेशा, है ना। पर कोई नहीं, अगर तुम्हें नहीं करते, तो मैंने भाई इनके सॉल्यूशन बना के ऑलरेडी डाल रखे हैं, मतलब सॉल्यूशन क्या, जो डिटेल में जो डिस्कशन कर रखा है ना, तो तुम देख सकते हो उनको, है ना, करने के बाद, है ना। और तुम्हें पूरा नहीं देखना तो जिस भी पर्टिकुलर, क्योंकि कुछ कुछ में तुम्हें पक्का डाउट हो गया, कुछ बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है ना, तो उनको जरूर देख लेना। और भाई, है ना, ऑनलाइन जो डाउट वगैरह अवेलेबल है, जो भी तुम्हें पता है, जो आजकल चल रहा है भाई, उनमें मत जाना, वहाँ पे तो कुछ भी बता देते हैं, है ना, कॉलेज के बच्चे वगैरह बना रहे होते हैं, तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें गलत बता रखे हैं उन लोगों ने, तो इसलिए अच्छे टीचर्स को ही फॉलो करो, है ना, है ना। बाकी ठीक है, बस यही है, और क्या थेरीज ऑफ ना, आई थिंक इस सेशन से हेल्प मिली होगी ना। बाकी जो बच्चे अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं ना, मेरे नीट और IIT JEE दोनों के बैचेस चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो, माय रेफरल कोड इज फिजिक्स लैब, मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम पे, अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो, है ना, वो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ID बता दी थी तुम्हें। बाकी टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ों की लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो बाय बाय, निकल लो यहाँ से ना।